हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पढ़ाई लिखाई। आज का हमारा टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉ स्केल्ड वाइपर, जिसे फुरसे भी कहा जाता है। ये जो सांप है, ये सबसे छोटा सांप है जो कि बिग फोर और वेनोमस स्नेक है, मतलब कि जो चार बड़े जहरीले सांप हैं भारत के, उनमें से ये सबसे छोटा सांप है और सबसे ज़्यादा खतरनाक भी यही है। अब ये जो सॉ स्केल्ड वाइपर है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो जो सॉ स्केल्ड वाइपर है, इसका सॉ स्केल्ड वाइपर, ये इसका कॉमन नेम है। इसका साइंटिफिक नेम है एकिस कैरिनेटस। इसका लोकल नेम है फुरसे या फुरसा। इसका जो साइज़ है वो 1 फीट से लेके 2.7 फीट तक हो सकता है। और ये जो है हाईली वेनामस टाइप का स्नेक है, मतलब बहुत जहरीला सांप होता है। इसका जो टॉक्सिन होता है, यानी इसका जो जहर होता है, वो हीमोटॉक्सिक प्रकार का होता है। अब अगर आप इस सांप को देखेंगे तो आपको ये सांप दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ये सांप जो है बहुत छोटा सा सांप होता है। इसकी जो पूंछ होती है बहुत छोटी सी, आपको पतली सी छोटी सी पूंछ दिखाई दे रही है, ठीक है। अब इस सांप के बारे में हम जानना शुरू करते हैं। तो ये कैसा होता है, शॉर्ट होता है, स्टाउट बॉडी होती है और इसके शरीर में कील्ड स्केल्स पाए जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, ये जो स्केल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत छोटे छोटे से स्केल हैं और इसमें आपको उभार दिखाई दे रहा होगा। देखो, ये छोटा सा स्केल है, उसके ऊपर उभार दिखाई दे रहा है, तो इसे कील्ड टाइप ऑफ स्केल कहते हैं, ठीक। अब ये इसके बाद हम देखें तो इसका जो नेक, इसका जो हेड होता है वो कैसा होता है, चौड़ा होता है। ये हेड आपको दिखाई दे रहा है, हेड कैसा होता है, चौड़ा होता है और ब्रॉड होता है, ठीक है। ये हेड है, हेड चौड़ा है और ब्रॉडर है और नेक आपको डिस्टिंक्टली दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये वाइपर की खासियत होती है, या तो उसका जो हेड है वो ट्रायंगुलर रहेगा या तो चौड़ा होगा, ठीक है। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि इसकी जो आईज है, ठीक है, ये आईज दिखाई दे रही है। इसमें जो प्यूपिल है, ठीक है, ये प्यूपिल कैसी है, वर्टिकल टाइप की है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका जो बॉडी का कलर है वो कैसा होता है। इसके बॉडी का कलर जो है लाइट ब्राउन होता है, ठीक है, लाइट ब्राउन कलर होता है इसकी बॉडी का कलर। और ये ब्रिक रेड कलर का भी हो सकता है, इसमें आप देख पा रहे हैं ये लाइट ब्राउन कलर का दिख रहा है, ब्रिक रेड कलर का भी हो सकता है, या फिर ग्रे कलर का। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ग्रे कलर का है, तो ग्रे कलर का भी हो सकता है, ठीक है, या फिर सैंड कलर का हो सकता है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके शरीर में ज़िगज़ैग पैटर्न्स पाए जाते हैं, ठीक है। बीच बीच में आपको स्पॉट्स दिखाई देंगे, ये आपको इसके शरीर में आप देख रहे होंगे। ये देखिए, आप स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये स्पॉट्स वाइट कलर की या क्रीम कलर की ये स्पॉट्स होते हैं, ठीक है, जो कि मिड डॉर्सल सीरीज, इसकी क्या होती है, मिड डॉर्सल सीरीज होती है। ये डॉर्सल साइड है और डॉर्सल साइड के बीचों बीच ये जो स्पॉट्स हैं वो पाए जाते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं मिड डॉर्सल सीरीज ऑफ क्रीम कलर्ड या वाइट कलर स्पॉट कहते हैं, ठीक है। अब ये जो स्पॉट्स होते हैं ये वेवी लाइन से कवर्ड रहते हैं, तो इसके दोनों तरफ आपको ये ज़िगज़ैग लाइंस दिखाई देती हैं, ठीक है। और ये ज़िगज़ैग लाइंस को देख के ही आप पहचान सकते हैं कि ये सॉ स्केल्ड वाइपर हो सकता है, ठीक है। तो ये ज़िगज़ैग लाइन जो कि इस स्पॉट्स को, जो मिड डॉर्सल स्पॉट है, उसको क्या कर रही है, कवर करके रखी हुई है, ठीक। अब नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो है इसके हेड में हमको क्या मिलता है, इसके हेड में हमको एक मार्क मिलता है, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। इसमें देखिए आप, ये जो मार्क है, ठीक है, ये जो मार्क है त्रिशूल के आकार का दिखाई दे रहा है इसमें। ये त्रिशूल के आकार का हो सकता है या क्रूसीफॉर्म हो सकता है, यानी कि क्रॉस, आपने वो क्रिश्चियंस का जो मार्क है वो देखा होगा, क्रॉस मार्क, उसके टाइप का दिख सकता है, या फिर ये त्रिशूल के आकार का मार्क होता है जो हेड के ऊपर पाया जाता है, ठीक है, ऑन द बैक साइड ऑफ हेड ये देखने को मिलता है। अगर आप इसे प्रोवोक करेंगे या इसे छेड़ेंगे तो फिर ये जो है आपको पहले वार्निंग देता है, फिर आपके ऊपर अटैक करता है। तो जब ये वार्निंग देता है तो ये क्या करता है, अपने शरीर को 8 के आकार में ऐसे कॉइल करता है। ये आपको दिख रहा है, ये 8 के आकार में ऐसे कॉइल करेगा, फिर ये अपने स्केल्स को आपस में रब करता है। तो जब ये रब करता है तो आरी चलाने से जो आवाज़ आती है वैसी आवाज़ आती है, ठीक है। तो ये जो साउंड निकालता है ये आपको सतर्क करने के लिए निकालता है। इसके बाद आप देखते हैं कि इसका जो वेनम है वो कैसा होता है। तो ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, तो इसका जो वेनम होता है वो कोबरा के वेनम से 5 गुना ज़्यादा असरदार होता है, और जो रसल वाइपर के टॉक्सिन से या वेनम से 16 गुना ज़्यादा हाईली टॉक्सिक होता है।
इसका जो टॉक्सिन है मींस जो इसका वेनम है वो कार्डियक मसल्स पे क्या करता है, इफ़ेक्ट डालता है। और कार्डियक मसल्स पे जब ये इफ़ेक्ट डालता है तो क्या होता है, हार्ट जो है वो उसकी फंक्शन क्या होती है, इफ़ेक्ट हो जाती है। और ये ब्लड सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, हीमोरेज होने लगती है शरीर में। और इसके कारण क्या होता है, पल्स रेट गिरने लगता है, बीपी लो हो जाता है। और फाइनली हार्ट फेलियर के कारण जो पेशेंट्स हो जो जिस पे जो विक्टिम होता है उसकी डेथ हो जाती है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। आपके कोई कमेंट्स होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।